नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार इस पद पर गौरव द्विवेदी की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। इसके बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि चयन समिति की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति ने गौरव द्विवेदी को 5 साल के लिए प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया है। हालांकि इन आदेशों में ये साफ नहीं है कि गौरव द्विवेदी कब यहां अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि गौरव द्विवेदी 1995 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले गौरव द्विवेदी केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो मसूरी में आईएएस ट्रेनिंग अकेडमी के फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बतौर सीईओ तैनात है। बेहतर प्रशासन के लिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद डिंपल यादव ने चुनाव निर्माण अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। डिंपल यादव ने निर्वाचन आयोग मैनपुरी को 2 नामांकन पत्र भरकर दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की बात करें तो डिंपल यादव के प्रस्तावक जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, वो दूसरे नामांकन पत्र में एच हाशमी एडवोकेट और राम नारायण बाथम जिला महासचिव बनाए गए हैं। नामांकन करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव मीडिया से रूबरू हुए। आज जब नेताजी बीच में नहीं है, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिंपल यहां से प्रत्याशी हैं। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने उन्हें जामनगर नॉर्थ से उम्मीदवार बनाए हैं। सोमवार को रिबाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची और नामांकन किया। पत्नी रिबाबा के पर्चा दाखिल करने से पहले रविंद्र जडेजा ने लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर जामनगर वासियों से अपनी पत्नी के लिए समर्थन मांगा। वीडियो संदेश में जडेजा ने कहा कि मेरे प्यारे जामनगर वासियों और सभी क्रिकेट फैंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां गुजरात विधानसभा चुनाव T20 क्रिकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने मेरी पत्नी रिबाबा को उम्मीदवार बनाया, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जीत का माहौल बनाया जाए। बता दें कि रिबाबा को इस चुनाव में टिकट मिलने की चर्चा काफी पहले से थी। वे अक्सर जामनगर के भाजपा से जुड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में देखी जा रही थी। वो सौराष्ट्र कर्णी क्षत्रिय सेना की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हाल ही में रिबाबा जामनगर के भाजपा विधायक ने श्रीमद भगवत सप्ताह का आयोजन किया था, जिसमें आखिरी दिन रिबाबा दर्शन करने के पहुंची। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा रखकर उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वह जरूर निभाएंगी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उसने अपनी कथित गर्लफ्रेंड श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े भी किए थे। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। वहीं पर दोस्ती हुई और फिर एक दूसरे को दिल दे बैठे। बाद में जब परिवार की तरफ से रिश्ते का विरोध किया गया तो दोनों अचानक से मुंबई छोड़ दिल्ली आ गए। वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा आफताब पर शादी करने का दबाव बनाती थी और चाहती थी कि दोनों जल्द ही बस जाएं, लेकिन आफताब कोई मंजूर नहीं था और इसी वजह से झगड़े होते थे। फिर एक दिन एक झगड़े में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि आफताब ने श्रद्धा को जान से मार दिया। बाद में किसी को भनक न लगे इसके लिए श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए और एक एक कर पास के ही जंगल में उन्हें फेंकाया। बाद में जब श्रद्धा के परिवार को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो वो मुंबई से दिल्ली आए और पुलिस के पास जाकर अपहरण का केस दर्ज कराया। फिर पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आफताब को खोज लिया और शनिवार को उसकी गिरफ्तारी
पूरी हो गई। पूछताछ में उसने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश के नेतृत्व में एरिस फार्मास्यूटिकल के तरफ से निशुल्क शुगर जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें दूरदराज से आने वाले सभी गरीब ग्रामीण लोगों का जांच किया गया और रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दवाई भी दी गई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ फिजिशियन और शुगर जांच का आयोजन करने वाली संस्था ने बताया कि 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन का उद्देश्य ही है कि जिला चिकित्सालय में दूरदराज ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों को इस जांच को बाहर ना कराकर जिला अस्पताल में ही उनकी तत्काल जांच कर उन्हें जांच के आधार पर तत्काल अच्छी दवाइयां लिखी जा सके और अच्छी सुविधा मिल सके, स्वच्छ और स्वस्थ उत्तर प्रदेश बन सके। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसके उपलक्ष्य में फार्मा इंडस्ट्री के एक सहयोगी अपना योगदान दे रहे हैं। निःशुल्क HbA1c शुगर की जांच होती एक है और शुगर की भी जांच कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह पहली बार सहारनपुर आए, जहां भूपेंद्र सिंह ने माता शाकुंभरी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, राज्य मंत्री बिजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और यहाँ पर शाकुंभरी माता के दर्शन करते हुए नजर आए। वहीं हाथरस में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने बंदूक की नोक पर विकासखंड कार्यालय से टेंडर पेटका और सरकारी दस्तावेज लूट लिए। दबंगों के इस कारनामे से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने विकासखंड कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी की मौजूदगी में बलपूर्वक घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना विकासखंड सिकंदरामऊ कार्यालय में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले को लेकर विकासखंड में तैनात कर्मचारी ने दो नामजद सहित कई अज्ञात बंदूकधारी लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेश, टेंडर पेटिका सरकारी दस्तावेज लूट ले गए दबंग, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र के विकास खंड कार्यालय का है, जहां दबंग लोगों ने बंदूक के बल पर विकास खंड कार्यालय से पेटिका और सरकारी दस्तावेज लूट लिए हैं, जिसकी एक CCTV फुटेज भी वायरल हुई है। उसी के आधार पर घटना विकासखंड सिकंदराव कार्यालय में लगे हुए CCTV कैद हुई थी। साथ ही आपको बता दूं कि तैनात लेखपाल और बाबू ने मिलकर थाना सिकंदराव में मुकदमा पंजीकृत कराया और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। बिल्कुल दीपेश, लेकिन सवाल ये है कि टेंडर पेटिका और सरकारी दस्तावेज ही आखिर क्यों यहां से लूटे गए हैं, ये लोग कौन हैं, क्या इनका पता लग पाया है? जी अभी तक काजल, मैं आपको बता दूं अभी तक ऐसा कोई भी पुलिस की तरफ से अभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है लूटे क्यों गए, ये भी मामला अभी थाना में ना तो लेखपाल क्या है ना बाबू क्या है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बुंदेलखंड में शुरू हुए खनन को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी ने जालौन में हो रहे अवैध खनन का वीडियो ट्वीट किया है। आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद नदी की जलधारा अवरुद्ध कर हैवी वेट पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन लगातार जालौन में किए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैद, अवैध खनन का वीडियो वायरल हो रहा है, सपा ट्वीट कर रही है लगातार, जहां एक तरफ पूरी तरह से अवैध खनन पर रोक है लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें लगाई जा रही हैं। जी मैं बता दूं, पूरा मामला डकोर कोतवाली क्षेत्र के पथरेटा खंड संख्या 5 का है, जहाँ पर अवैध खनन का ये पूरा प्रकरण चल रहा है और जो सरकार से चोरी छुपे ये प्रकरण चल रहा है। तो इस पूरे मामले का क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है, क्योंकि वीडियो तो तेजी के साथ वायरल हुआ है? जी वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आया है और इसमें उच्च जांच के आदेश दिए गए हैं।
जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी तरह से प्रतिबंध है तो फिर आखिर इन दबंगों के हौसले या जो भी माफिया है इनके हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं? क्या किसी की मिलीभगत है? जी मैं बता दूं, ये खनन संख्या बीहड़ इलाके में आती है जहां पर ये पूरा खनन का काम चल रहा है होती है। ठीक है जय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जौलान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अवैध खनन को लेकर जहां सरकार लाख दावे कर रही है तो वहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पलीता इस पर लगाते हुए नजर आते हैं, जिसका पूरा फायदा विपक्ष उठाते हुए नजर आता है। सपा ने ट्वीट करके ये वीडियो दिखाया है और कहा है कि अवैध खनन लगातार हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहीं बांदा में रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग ने जबरन आम रास्ते पर कब्जा कर लिया है। दबंग अक्सर दलित बस्ती में होने वाले विकास कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं, साथ ही पैसे और पावर पर सरकारी आम रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के मकसद से और आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी बरेली जोन ने शहर की सड़कों पर पैदल गश्त कर शहर की अमन पसंद जनता को सुरक्षा व्यवस्था का विश्वास दिलाया। शक्ति चौक से शुरू हुआ पैदल गश्त शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह एडीजी का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया। फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा रूटीन वे में प्रत्येक दिन करते हैं हम सभी अधिकारी कर्मचारी, और मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस की प्रेजेंस सड़क पर रहे और जो बदमाश हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उसके हौसले पस्त हों और आम व्यक्ति हैं लोग हैं उनमें उनका मनोबल बढ़े। शौच के लिए जंगल में गए बुजुर्ग पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। सांड के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला संभल के हरसिंहपुर का है जहां रविवार सुबह बुजुर्ग अकबर हुसैन शौच करने के लिए जंगल को गया था। बता दें कि इसी दौरान आवारा सांड ने अकबर हुसैन पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े लेकिन तब तक सांड अकबर हुसैन को पूरी तरह से लहूलुहान कर चुका था। अनफानन में परिजन इलाज के लिए संभल के जिला चिकित्सालय पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभल में गांव में दो महिलाओं की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं जहां ग्रामीणों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि इस समय डेंगू बुखार का प्रकोप चल रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं असमौली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में एक ही दिन में दो महिलाओं लक्ष्मी और पूनम की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। दोनों महिलाएं पूर्व में हेपेटाइटिस सी की मरीज थी जिनका इलाज चल रहा था। हालांकि अब दोनों महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। एक दिन में दो मौत होने के बाद एसडीएम संभल विनय कुमार मिश्रा और जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी गांव पहुंचे जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दूषित पानी पीने से गांव में बीमारियां फैल रही हैं जबकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। इसे लेकर प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। वहीं गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया जिसमें 50 लोगों के स्वास्थ्य की जांच में 5 हेपेटाइटिस सी पीड़ित मिले। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि हेपेटाइटिस सी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। दो महिलाओं में एक को हार्ट अटैक आया था और दूसरी महिला बीमार थी जिसका इलाज कहीं बाहर चल रहा था, फिर भी गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अभी हेपेटाइटिस सी तो देखिए पानी से तो फैलता नहीं है का, और बाकी जिन चीज़ों से फैलता है वो बताया कि उसके बारे में ये लोग वो रख के किसी नाई आई की तो कभी भी मतलब कटे पिटे किसी उससे नाई किया जाते हैंगे या यौन संबंध से जो होते हैगा या सुई जो इंजेक्शन लगा लेते नशीले पदार्थ लेते इन सब से होता हैगा और पानी से नहीं होता हैगा, लेकिन पानी से और भी बीमारियां हो सकती हैंगी तो हम लोग उसके लिए इलाज ही कर सकते हैंगे। बाकी तो ये जो हैगा प्रिवेंशन के लिए कि मतलब होने ना पाए ये ऐसी कुछ ना करे कि होने ना पाए इसके लिए तो इन्हीं लोगों को एफर्ट या ब्लड चढ़ने से होता हैगा किसी को मान लिए गंभीर बीमारी ब्लड चढ़ जाता है
तो उसके लिए तो इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, बाकी हम लोगों की टीम लगातार आती है, टेस्ट करती है, दवा देती है, वायरल लोड करा रही है, वायरल लोड कम हो जाता है तो बंद होती, नहीं तो पूछा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, दो महिलाओं की मौत हुई है, पूरा स्वास्थ्य महकमा गांव में पहुंचा हुआ है, कह रहा है कि स्वास्थ्य शिविर हम लगा रहे हैं, लेकिन आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जी मैं आपको बताऊँ, लगातार इसमें न्यूज में इंडिया ने भी खबर दिखाई थी, लगातार प्रकाश की खबर ये कि हेपेटाइटिस सी रामनगर में फैला हुआ है, उसी को देखते हुए कैंप लगाए गए थे, पहले भी कैंप लगाए गए थे, अब दो महिलाओं मरने के बाद स्वास्थ्य मौत के बाद में फिर दोबारा कैंप लगाए गए हैं। जब मौत की सूचना स्वास्थ्य विभाग में पहुंचती है तो उससे हड़कंप मच जाता है, SDM CO ब्लॉक से कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग गाँव पहुंचते हैं, गाँव में जाकर छानबीन करते हैं, पूरा मौका मुआयना करती है, बाजार कैंप लगा देती है और लोगों को इलाज करना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मतलब अभी तक स्वास्थ्य विभाग जागा नहीं। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारी भी लगातार फैल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि गंदा पानी पीने से या फिर डेंगू की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, हम लगातार शिविर लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी नीट भाई ने इस खबर को प्रकाशित किया था, बहुत प्रमुखता के साथ दिखाई थी खबर, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी थी, स्वास्थ्य विभाग ने उस समय भी कैंप लगाए थे लगातार, और जब सैंपलिंग की गई तो उसमें लगभग 150 लोगों को हेपेटाइटिस सी मतलब दिखाई दिया था, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट आए थे सामने। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो लगातार उसमें ध्यान देता रहा, पानी सप्लाई करता रहा बाहर से, उसका जब नहीं होते और लगातार बाहर लेती है कि नशे का इंजेक्शन लगाती है लोग कई बाहर से लाते हैं हेपेटाइटिस सी, लेकिन लगातार स्वास्थ्य अगर हेपेटाइटिस बाहर से लाते हैं तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, कौन लाता है, क्या व्यवस्था है, बात की ये तो स्वास्थ्य विभाग देखेगा ना, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार इसमें लापरवाही बरत रहा है। इस पूरे मामले पर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप? जब अधिकारी से बात की जाती है तो अधिकारी साहब का कहना है कि हेपेटाइटिस सी जो है पानी से नहीं फैलता है कि और गंदगी से नहीं फैलता और केवल जो है ये दूसरे से संपर्क से फैलता है या तो या फिर जो वायरस है जिस प्रकार से मतलब जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं दूसरे के इंजेक्शन से फैलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो संभल का एक पूरा मामला है जहां पर एक ही दिन में दो महिलाओं की मौत हो गई है, हालांकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक महिला काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, दूसरी को हार्ट अटैक आया है, हेपेटाइटिस या फिर किसी और बीमारी की वजह से महिलाओं की मौत नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव में शिविर लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संभल में दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए 6 की गिरफ्तारी कर ली है, वहीं फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। सुरक्षा के मद्देनजर गाँव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। थाना बनिया ठेर के ग्राम अझावली में आज दोपहर दो पक्षों में विवाद हुआ एवं कहासुनी हुई, जिसके पश्चात शाम को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव किया गया, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को चोटें आई हैं। मजबूरों को मेडिकल कराते हुए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साथ ही नामित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य नामित व्यक्तियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करते कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं संभल में अवैध खनन कर मिट्टी ढो रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के दरवाजे पर खड़ी महिला को रौंद डाला, हादसे में महिला की मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने हंगामा काटा तो वहीं चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, महिला की मौत से परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है। साजापुर के गांव बीरिया गरेली खेत में खड़े धान की रखवाली करने गए भाई बहन की पानी भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई, बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में डूबकर बच्चों की मौत हुई है उस गड्ढे को नदी के किनारे खेत की मेड़ बांधने के लिए खोदा गया था। मृतक मासूमों के पिता का कहना है कि 9 साल का उनका बेटी है और 9 साल का बेटा है, दोनों ही 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों खेत में खड़े धान की रखवाली करने जा रहे थे तभी अचानक पैर फिसल गया और हादसे का शिकार हो गए, घटना से परिजनों का रो रो कर रहा है। हमारे यहाँ उदयपाल के
एक लड़का एक लड़की खेत पर गांव की रखवाली करने गए थे जी। वहाँ पर नदी है गारल नदी जी, जी। उसमें जेसीबी से लोगों ने अपने खेत की मेड़ बांध ली है जी। उससे उसमें खाई हो गई है जी, जी। उसमें अधिक पानी भर गया, बच्चे किसी प्रकार उसी में सरक गए, जिससे परिजनों को लगभग 4:30 बजे तक सूचना मिली तो बच्चों को डूब कर उसमें मौत हो गई। कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर हत्यारोपी पति पिछले 2 महीने से पत्नी के गुम होने की बात कहता रहा। आरोपी पति ने दहेज और अवैध संबंधों के शक में पत्नी की जंगल में जाकर गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति द्वारा की गई हत्या और पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए घटनास्थल से शव कंकाल अवशेष बरामद कर लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। समस्या है, 5 महीना मैंने अपनी लड़की की शादी करी, अब फिर शादी हुई के लड़की मेरी लिवा के लई गए, लड़की मेरी गायब कर गई, अब लड़की की मेरे कोई पतो ना ही। हम थाने गए तो दरोगा जी कह रहे तुम्हारा सामान दिला दें, तुम्हें रुपये दिला दें। हमने कहा हमें रुपये ना ही चाहिए, ना मुझे सामान चाहिए, हमें हमारी लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़की दे। हम सामान जब देते तो हम सामान लेते का ले। अब खुद बांधता है। हमने कही दरोगा जी ने कि तुमने अपनी लड़की बेच ली। हमने इधर ही कही जा बताओ कोई अपनी लड़की बेच लियो तो तुम अपनी लड़की बेच ले। हमने दरोगा जी दे कही तुम अपनी लड़की बेचो, मेरे सामने या लड़का बेचो। दरोगा जी हम दे उंटी उंटी कही रहे, हम दे बुझो 1.5 महीना भी गो, हमने रोटी खाद ना पानी पियत, गऊ आजाद पूरे दूध रोद चाहिए, आते पितरु का सामान चाहिए। हम सामान में का आग ही लगाई, अब ना हम पने बच्चन के लेके सबई मंटी के तेंडाई सबकी आग ही लगाई नहीं, थाने में लगाई नहीं। बस जब मेरी कोई ना ही सुन रो। मेरी बहन 9/9/2022 को गायब हुई थी। मेरे चाचा जी ले जा रहे थे, मेरी छोटी भौजाई थी, वहाँ ऑपरेशन हुआ था, उसी को दिखाने ठीक। वो रास्ता में मिल गए उद्देश्य, उन्होंने कहा हम अपने घर लिए जाएंगे, वो घर लिए गए। शाम को फोन किया तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आए, उनके घर वालों के पास फोन किया, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आए। फिर 10 को FIR दर्ज कराई, दरोगा जी ने FIR दर्ज नहीं की ठीक। 2 महीने हो गए FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको आपने लड़की गायब की, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया ठीक। वो और आज लड़की के अवशेष मिले हैं, सर मिला यानी अन्य चीजें मिली, अवशेष मिले हैं, तो हम लोगों पर आरोप लगा रहे थे। अब लड़की पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की तो उन्होंने पैसे लेके पुलिस वालों ने मार दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो करना है सो कर लो ठीक। आज वहां गए तो उन्होंने कह दिया कि आप चाहे DM के पास जाओ, जो करना है सो कर लो। ये जो है ये लड़की लगभग 1.5 से 2 महीने पहले गायब हुई थी और इसकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। आज इसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। इन लोगों ने लड़की के माता पिता पक्ष ने जो है इसकी पहचान की है, तो उसके जो अवशेष मिले हैं उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और इन लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई है और मुकदमा लिख गया है। धारा जो बढ़नी थी उसमें धारा को समावेश करके उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आर्यन पाल सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आर्यन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इतने दिनों से एक हत्यारा पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था। जो लड़की के परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसों के लेन देन करके मामले का निपटारा करने की कोशिश की है। जी देखिए, जैसा कि अगर ये आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लगभग 65 दिन से हत्याकांड को हो चुके हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात होती है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही इस तरीके से जब लापरवाही की जैसे सामने आते हैं केस, तो इससे पुलिस जो है अगर गुनहगार की इस तरीके से मदद करती है तो ये लगभग 65 दिन बाद ये हत्या का खुलासा हुआ। काफी जो है पीड़ित परेशान रहे और इन्होंने जो है ADG बरेली के निर्देशों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि 2 महीने से पीड़ित मृतका की जो माँ है वो दर्दर की खाने की ठोकरें खाती हुई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
ये कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और अगर ये अगर उसी समय अगर कोई सख्त कदम उठाए जाते तो शायद इस महिला की जान बच सकती थी। और इससे भी पहले बताया जाता है कि पति जो है एक जो है पत्नी को अपनी पूर्व में पत्नी को जो है फांसी के फंदे से जला करके इसकी आत्महत्या की थी। इसके बाद जो है इसके भी अवैध संबंधों और दहेज को लेकर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके बाद जो है इसने घटना को अंजाम दिया है, जहां जंगल में ले जाकर इसका सर जो है गला रेत करके जो हत्या की है, ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज है। और पीड़ित की मां को यह जो आशंका लग रही थी कि ये जो कहीं ना कहीं हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो इस पर थी वो चौकसी नहीं ले रही थी, जिस कारण जो है रात देर रात जो है ग्रामीणों ने शाहजहांपुर पुलिस की कार्यालय का जो है घेराव भी किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं सिस्टम पर जो है सवाल खड़े करती है कि इस तरीके से जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो पुलिस पर जो है, हालांकि सीओ ने बात कही है कि जो है इसके कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी कोई अगर जानकारी मिलती है। 2 महीने बाद जो है केस दर्ज हुआ जिसमें पीड़िता की मां को आश्वासन दिया गया है कार्रवाई को लेकर के। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आरेंद्र। वही गाजीपुर में मां बेटी के गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मोहम्मदाबाद थाने के कठुत गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर के अंदर मां बेटी का शव मिला। घटना की जानकारी होते ही एसपी ओमवीर के साथ आईजी वाराणसी जोन के सत्यनारायण भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मौके का मुआयना कर ग्रामीणों से घटना के बाबत जानकारी ली। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना का इस गाँव में जो है एक 75 साल की महिला और लगभग 35-40 साल की दूसरा महिला, दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला घटना है। इसमें 2 महिलाओं का मृत्यु हुई है। इसमें घटनास्थल पर मैं पहुंच गया हूं और कप्तान साहब और एडिशनल एसपी साहब पहुंचे हैं, और अभी तक जो प्रकरण का प्राथमिक संज्ञान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जाँच पड़ताल किया जा रहा है। मुरादाबाद के ईदगाह चौराहे पर लगे गद्दे बनाने वाले की दुकान में भयंकर आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुटी रही। आग से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हजारों रुपए का माल जलकर जरूर आग हो गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।